नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता हुए एकजुट। आपको बता दें, सेवड़ा सर्किट हाउस में डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ बैठक हुई। इस बीच पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन को पुलिस प्रशासन और शासन की सह से भी चल रही है। और तो और, माननीय पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये तक भी कह दिया कि जहां ठेके नहीं हुए, सिंध नदी के घाटों को खोखला कर रहे बीजेपी के दबंग कार्यकर्ता और रेत माफियाओं का अवैध रेत उत्खनन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बूंद बूंद पानी को क्षेत्रवासी तरस जाएंगे। आपको बता दें, जब तक कांग्रेस पार्टी सरकार रही तब तक किसी भी सिंध नदी के घाटों से अवैध उत्खनन नहीं हुआ। ये तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की देन है, जो कि आज सिंध नदी के घाटों के सीने को चीर चीर कर अपना पेट भर भर के बैठक में शामिल हुए। वरिष्ठ कार्यकर्ता मुन्ना सेंगर, जयबीद बिंद परिहार, राजू लठिंद और कांग्रेस पूर्व मंडी अध्यक्ष अरुण शर्मा, संजू पराशर, मुल्लू पटेल, पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जी सर, सिंध नदी को शिवराज सिंह की सरकार के मंत्री पार्टी के लोगों के द्वारा लूटा जा रहा है। दतिया जिले पिंड सहित पूरे मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है। भारी पैमाने पर रेत उठाया जा रहा है, पैसा राल्टी चुकाई नहीं जा रही, नदियां खोखली की जा रही हैं, जिससे नदी के आसपास के जड़ तक 30 से 40 फीट पानी नीचे चला गया है वाटर लेवल। तमाम हमने शिवराज सिंह से चिट्ठियां लिखने के बाद कहने के बावजूद भी उन्होंने घोषणा की थी कि अगर अवैध उत्खनन नहीं रुका तो कलेक्टर एसपी जिम्मेदार रहेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु उनकी कथनी करनी में अंतर है। मुख्यमंत्री जी की शिवराज सिंह जी की चौगुना और उससे बढ़ गया, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं